19 वर्ष ड्यूज बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतिदिन खेले जा रहे लीग मैच 28 दिसंबर को होगा फाइनल। जिला महासमुंद के अंतर्गत ग्राम बंसुला में फुलझर चैंपियन ट्रॉफी ड्यूज बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय आईटीआई मैदान में गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें पैरी 11, सुरंगी 11, जोक 11 तथा महानदी 11 की टीम भाग ले रही है। अंडर 19 साल के बच्चों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन फुलझर क्रिकेट टीम कर रही है। शुभारंभ अवसर पर अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती वृंदावती सोमनाथ पांडे, जनपद अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी सुभाष पटेल, जनपद सदस्य श्रीमती श्वेता मनोज अग्रवाल, जनपद सदस्य फूलचंद पटेल, फुलझर क्रिकेट संघ के संरक्षक तुलसी साव, समाज सेवी नंदलाल मिश्रा, खेल महासंघ के अध्यक्ष मुकेश जोशी, सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के प्रस्तावित उद्बोधन के रूप में पीसीएस पदाधिकारी तुलसी साव ने कहा कि छोटे बच्चों को ड्यूज गेंद से आगे बढ़ने का जो बीड़ा फुलझर क्रिकेट संघ उठा रही है वह आने वाले समय में लाभकारी होगा। इस उम्र में सभी को ड्यूज गेंद खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमती वृंदावती पांडे ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आयोजन समिति की सराहना की एवं हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जनपद अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी सुभाष पटेल ने कहा कि बड़े लोगों के लिए हर कोई आयोजन करता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आयोजन करना निश्चित ही सराहनीय है। उद्घाटन अवसर पर पीसीएस कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जगत, एकेडमी समिति के संयोजक गिरजा शंकर स्वर्णकार, प्रशासक भीमेश्वर साहू, पीसीएस सलाहकार मनोज नंद, लोकनाथ साहू, राकेश साहू, नुराधन साहू आदि अधिकारी एवं खिलाड़ी बंधु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। ब्लॉक बासना, जिला महासमुंद से नंदलाल मिश्रा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।